हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, अगर आप भी हैं सौरव गांगुली के बीसीसीआई प्रेसिडेंट बनने से बहुत खुश, तो इस वीडियो को एक बहुत ही बड़ा लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं उस विषय पे जिस विषय पे वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद पूरा का पूरा देश चर्चा कर रहा है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्या भारतीय टीम में अब अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग कप्तान होने वाले हैं, उस विषय में सौरव गांगुली ने क्या कहा, उसी विषय में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया के इंटरव्यू में सौरव गांगुली ने भारतीय टीम के लिए स्प्लिट कप्तानसी के बारे में इंटरव्यू दिया और सौरव गांगुली से यही सवाल पूछा गया था कि क्या हमें भविष्य में भारतीय टीम में अलग फॉर्मेट में अलग कप्तान देखा हुआ नजर आ सकता है। इसके बारे में सौरव गांगुली ने जो जवाब दिया वह सुनने लायक था। दोस्तों, इस विषय पे सौरव गांगुली ने जवाब दिया कि दूसरे देशों की तरह भारतीय टीम को अलग अलग फॉर्मेट के लिए अलग अलग कप्तान की कोई भी जरूरत नहीं है और विराट कोहली जो है वो भारतीय टीम के तीनों फॉर्मेट के कप्तान बने रहेंगे और हमें विराट की काबिलियत पे कभी भी कोई भी संदेह नहीं होगा कि वो भारतीय टीम की कप्तानी के लिए एक बेस्ट विकल्प नहीं है। वैसे दोस्तों, हम आपको बता दें कि फैंस की यही मांग थी कि वर्ल्ड कप 2019 में भारत की सेमीफाइनल में हार के बाद सभी लोग यह बात कर रहे थे कि रोहित शर्मा जो है उनको अब T20 की कप्तानी सौंप देनी चाहिए और विराट कोहली का भार हल्का कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, सौरव गांगुली ने साफ इनकार करते हुए कहा कि भारतीय टीम में कप्तानसी बदलने की कोई भी जरूरत नहीं है और विराट कोहली ही भारत के तीनों फॉर्मेट के कप्तान बने रहेंगे जब तक वो प्रेसिडेंट में है। और उन्होंने बताया कि IPL में और इंटरनेशनल क्रिकेट में काफ़ी फर्क होता है, इसके बिहाफ पर आप टीम इंडिया के निर्णय नहीं ले सकते। दोस्तों, क्या आप सौरव गांगुली के दिए गए इस इंटरव्यू से सहमत है? क्या आप उनकी इस विचार से सहमत है? आप अपने विचार हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।